हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूज क्लास। इंग्लिश ग्रामर में आज हम क्लास 5 की चैप्टर 1 नाउन पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हमने इसमें नाउन के सभी काइंड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतने ही जल्दी हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा। आपके लाइक के बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, इसलिए प्लीज़ आप मोटिवेशन के लिए भी एक लाइक तो ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। नाउन्स, नाउन मतलब संज्ञा। व्हाट आर नाउन? नाउन सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि नाउन्स हैं क्या। हम क्लास 1 से ही पढ़ रहे हैं नाउन्स, पर जब हम क्लास 5 में नाउन पढ़ते हैं तब हम उसके और ज़्यादा काइंड्स को पढ़ते हैं, जिससे हमें नाउन बहुत अच्छे से समझ आए। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान, पशु और वस्तु को कहते हैं। एग्जाम्पल, गर्ल, बॉय, चर्च, टाइगर, चेयर। यहाँ पे देखो, पर्सन में यह गर्ल है, गर्ल की पिक्चर है। नेक्स्ट बॉय की पिक्चर है। ये प्लेस है, चर्च है, टाइगर है, एनिमल है और चेयर है, थिंग है। तो ये कुछ एग्जाम्पल से हमें ये तो समझ में आ गया कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ नाउन्स मतलब कितने सारे प्रकार के नाउन होते हैं। आज हम बहुत सारे प्रकार के नाउन देखने वाले हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन्स, सेकंड है कॉमन नाउन्स, थर्ड कलेक्टिव नाउन्स, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, फिफ्थ मटेरियल नाउन्स, सिक्स्थ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, सेवन्थ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो ये सारे नाउन्स आपको अच्छे से याद करने हैं, जिससे नाउन में मिस्टेक आप कभी भी ना करें। और ये वीडियो स्पेशली जो बच्चे ओलंपियाड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे नाउन के टॉपिक क्लास 5 के कवर्ड हैं इसमें। नाउन फर्स्ट, प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब अगर मैं किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम या थिंग का नाम स्पेसिफिकली लेती हूँ तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे फर्स्ट हुआ राजू। राजू क्या है? किसी बॉय का नाम है, नेम ऑफ अ बॉय। नेहा, नेम ऑफ गर्ल, गर्ल का नाम है। टॉमी, नेम ऑफ पेट डॉग। ऐसे ही पेट कैट हो गया, उसका भी नाम, कोई भी पेट का नाम होगा वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेम ऑफ बैंक, SDFC बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, जो भी बैंक का नाम है वो सारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। ताजमहल, नेम ऑफ मॉन्यूमेंट। रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, जो भी मॉन्यूमेंट के नाम होते हैं वो सब प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। गीता, नेम ऑफ होली बुक, जो होली बुक का नाम है, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन की और एक पहचान होती है, इसे हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, तो इसे आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट इज आवर कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन वो होते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लेते हैं। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन जनरल। ये जनरल होते हैं। जनरली हम मैन को मैन बोलते हैं, बॉय को बॉय, गर्ल को गर्ल। एग्जाम्पल में दिया है ना मैंने, फ्लावर, फ्रूट, स्कूल। यहाँ पे मैं मैन का नाम नहीं ले रही हूँ, जैसे संजीव हो गया, राजीव हो गया, ऐसा कोई नाम नहीं ले रही हूँ। बॉय का भी कोई नाम नहीं ले रही हूँ। गर्ल जैसे मिनी, शीनी, नहीं, मैंने सिर्फ गर्ल कहा। फ्लावर लिली हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ऐसा नहीं बोला मैंने। तो समझ में आ गया, कॉमन नाउन मीन्स जब हम किसी को नाम से नहीं बोलते हैं, जनरली कहते हैं, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आवर कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाम से ही लग रहा है, कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स। जब कोई पीपल का ग्रुप होता है, कोई थिंग्स का ग्रुप होता है या तो कोई एनिमल का ग्रुप होता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है अ स्वार्म ऑफ बीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स।
और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, तो समझ में आ रहा है। जैसे पूरा का पूरा ग्रुप है, स्वार्म ऑफ बीज मतलब पूरा ग्रुप ऑफ बीज, बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब पूरा ग्रेप्स का एक गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, बंडल ऑफ स्टिक्स पूरी लकड़ियों का एक, लकड़ियों की गठरी कहते हैं गठरी, क्वायर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स की पूरी ग्रुप। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन्स, ये भी सिंपल था। नाउ नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू क्वालिटी, फीलिंग्स एंड एक्शंस। इसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं कि कोई चीज़ कैसा है ना, तो वहाँ पे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे स्वीटनेस, फीलिंग्स में क्या हो गया, जैसे लाफ्टर हो गई है ना, जॉय हो गया। एक्शंस भी होते हैं उसमें, जैसे दिया है इसमें एग्जाम्पल, लाफ्टर, ट्रुथ, जॉय, ऑनेस्टी, होप, लव, जस्टिस। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मतलब हम जो चीज़ टच तो नहीं कर रहे हैं हम फील कर सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। वी कैन नॉट टच एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, वी कैन फील एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तब उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। कोई चीज़ कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तो ये सब चीज़ एब्स्ट्रैक्ट में आता है, मतलब मिठास, खटास, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट मटेरियल नाउन्स। अब मटेरियल नाउन्स क्या होता है? मटेरियल नाउन आर यूज टू नेम मटेरियल्स फ्रॉम विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड। तब जो रॉ मटेरियल होते हैं ना, उससे अगर कोई चीज़ बनता है उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन्स। एग्जाम्पल शुगर, शुगर मटेरियल नाउन है। शुगर से बहुत कुछ बनता है, चॉकलेट बनता है, बिस्किट बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती, मिठाइयाँ बनती हैं, तो शुगर हो गया मटेरियल नाउन। डायमंड, डायमंड से ज्वेलरी बनती है, डायमंड इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। गोल्ड, गोल्ड ऑल्सो यूज टू मेक ज्वेलरी, कॉइन्स, है ना। प्लास्टिक, प्लास्टिक से तो काफ़ी चीज़ें बनती है, बहुत सारा सामान बनता है, चेयर बनता है, टेबल बनता है, पेंसिल बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें बनती है। सिल्वर, सिल्वर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ज्वेलरी, कॉइन्स एट्सेट्रा। तो समझ में आ गया मटेरियल नाउन्स। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इसे भी हम नाउन के ही श्रेणी में रखेंगे। पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसे पीपल, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ थिंग्स, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स। एंड व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स? पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंट, है ना, जिसे हम नहीं गिन सकते। एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? कॉपी, कॉपी को गिन सकते हैं, पेन को भी गिन सकते हैं, बर्ड को भी गिन सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, मिल्क, मिल्क को गिन सकते हैं क्या? नहीं, वो लिक्विड है, लिक्विड जितने भी चीज़ होते हैं वो सारे अनकाउंटेबल में आते हैं। फॉग, फॉग को भी नहीं गिन सकते हैं, दिखता है खरी, धुंधला धुंधला। रेन, रेन इज ऑल्सो लिक्विड, तो ये सब लिक्विड में ही मोस्टली आते हैं अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आवर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अब ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स ये क्या होता है, ये हमने पहले भी समझा हुआ है, फिर भी एक बार यहाँ पे शॉर्ट में ले लेते हैं, जिससे कि हमारा नाउन का ये चैप्टर फिनिश हो जाए। अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब जब हम एक पर्सन की बात करते हैं, एक प्लेस की बात करते हैं या एक थिंग की बात करते हैं, तब वो होता है सिंगुलर नाउन। अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लूरल नाउन मीन्स एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर नाउन, एप्पल, एक एप्पल हो गया, बर्ड, एक बर्ड, बॉय, वन बॉय, गर्ल, वन गर्ल। एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल नाउन, एप्पल्स, एक से ज़्यादा एप्पल क्या कहते हैं हम? एप्पल्स। बर्ड, एक से ज़्यादा बर्ड, बर्ड्स। बॉय, एक से ज़्यादा बॉय, बॉयज। एंड गर्ल, एक से ज़्यादा गर्ल, गर्ल्स। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये तो थे नाउन के टाइप्स। अब हम लोग कुछ वर्कशीट देख लेंगे। हमने पूरे वर्कशीट्स तो कवर नहीं किए, पर फिर भी कुछ देख लेते हैं, बाकी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, जिसमें नाउन के कुछ वर्कशीट मैंने इंक्लूड किए होंगे। आज हम कुछ वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन से फिल करना है। कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, है ना, थिंग्स। तो जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप को कोई रिप्रेजेंट करता है सिंगल वर्ड, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फर्स्ट, अ डैश ऑफ थीव्स।
अ गैंग ऑफ थीव्स, अ डैश ऑफ एंट्स, अ कलोनी ऑफ एंट्स, अ डैश ऑफ टर्कीज, अ फ्लॉक ऑफ टर्कीज, अ डैश ऑफ लाइब्रेरियंस, अ स्टैक ऑफ लाइब्रेरियंस, अ डैश ऑफ ड्रॉयर्स, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स, अ डैश ऑफ हैंस, अ ब्रूड ऑफ हैंस, अ डैश ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो कलेक्टिव नाउन तो यहाँ फिनिश हो गया वर्कशीट। नाउ नेक्स्ट, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन भी मैंने समझा दिया था, स्पेसिफिक नेम, तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर नाउन को आपको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट, मीरा इज राइटिंग स्टोरी, मीरा स्टोरी लिख रही है। प्रॉपर नाउन इज, यहाँ पे किसका नाम है, मीरा, सो आई विल अंडरलाइन मीरा। नेक्स्ट, आई विजिटेड गोवा विथ माई पेरेंट्स, यहाँ पे स्पेसिफिक गोवा। नेक्स्ट, नेहा इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, नेम किसका है, नेहा का है, सो आई विल अंडरलाइन नेहा। नेक्स्ट, गिव मी अ न्यू कैमलिन पेंसिल, यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम है कैमलिन, सो आई विल अंडरलाइन कैमलिन। नेक्स्ट, आई बॉट अ बुक फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अगेन अ ब्रांड नेम फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट को अंडरलाइन करेंगे, इसके बदले कोई भी ब्रांड लिखा होता उसे ही हम अंडरलाइन करते। नेक्स्ट, वी आर प्लानिंग टू विजिट द जू ऑन संडे, डेज ऑफ द वीक हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, संडे, सारे डेज ऑफ द वीक प्रॉपर नाउन होते हैं। नेक्स्ट, माई फेवरेट हिंदी मैम इज प्रेजेंट टूडे, स्पेसिफाइंग विच सब्जेक्ट, हिंदी, सो हिंदी विल बी प्रॉपर नाउन हियर, आई विल अंडरलाइन हिंदी। तो ये प्रॉपर नाउन की वर्कशीट भी यहाँ पे फिनिश होती है। आपको तो कॉमन नाउन, सिंगुलर, प्लूरल सब समझ में आ गया है। आगे के वीडियोस में हम सबकी एक एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उससे आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।